आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए शेप भी पता, मतलब आपको इतना पूरा नॉलेज होना चाहिए शेप इसका ये बनेगा। देखो अभी जैसे से हैबिट एग्जाम्पल करोगे हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा करने के लिए, आप करना। जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे तो आपको शेप के ध्यान आते जाएंगे। क्यों? शेप की जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? अगला टॉपिक हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। उस डाइपोल मोमेंट में क्या करना होगा आपको, हमें बताना होगा कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, वो हम डाइपोल मोमेंट से निकाल के बताते हैं। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर ही सही नहीं होगा, ज्योमेट्री या शेप सही नहीं होगी, तो हम डाइपोल मोमेंट सही तरीके से नहीं निकाल सकते। हम रैंडम डाइपोल मोमेंट निकाल देंगे, हमारा गलत आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्लियर तरीके से पता होना चाहिए इसका शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल और देता हूं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम आते हैं डाइपोल मूवमेंट पे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीनियर स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीनियर स्ट्रक्चर। ऑप्शन दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीनियर स्ट्रक्चर, ऑप्शन दे रहा हूं। मोर देन भी हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग है लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी भी सही है और डी भी सही है। लीनियर पूछा है, डी वाला कौन सा केस है? एक्स की 3 लोन पेयर 2 सिग्मा वाला केस है बेटा, आप लोगों ने गलत बताया। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है, सॉरी 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। ये भी क्या होता है? एसपी, या क्या होता है? SP3D। और कैसा होता है शेप इसका? लीनियर होता है, ठीक है ना। ज्योमेट्री कैसी होती? लीनियर होगी। यहां पर ये भी बेटा क्या होगा? लीनियर होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? SP आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन के पहले मैं एक चीज बता दूं, कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जैसे जैसे आपके पास है CH3CH3, तो भाई फंडा हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो भाई देखो दोनों कार्बन का मुझे क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखो भाई इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो 3 सिग्मा और 1 सिग्मा, तो कितने सिग्मा? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? SP3। और इसका भी बेटा कितना आएगा? SP3 ही आएगा। दोनों क्या क्या आएगा? SP3 SP3। अच्छा अभी रुको और एग्जाम्पल देता हूं, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपसे कह रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है सभी कार्बन का क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो बेटा इस वाले का चेक करो पहले, इस वाले का, इस वाले के बाद 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है माय डियर? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? SP आएगा। इस कार्बन को देखो, इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है माय डियर? इसका क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? SP आएगा। इस वाले को चेक करो, इसके पास क्या है बेटा? 1 सिग्मा ये है और 3 सिग्मा ये है, टोटल 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा? SP3 होगा। अच्छा अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अगला देखो SC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। दोनों कार्बन आइटम है, इसका कितना आएगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा? SP लीनियर। और इसका क्या आएगा? लीनियर ये भी होगा, SP, समझ गए? ये भी लीनियर होगा और ये भी लीनियर होगा, 2 सिग्मा 2 सिग्मा। इसके बाद क्या है? 1 सिग्मा ये है और 3 सिग्मा ये लगे। इस कार्बन से बेटा ये 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली लगे, ठीक है ना, और एक सिंगल ये लगा होता है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब क्या होता है? SP3। अच्छा अभी रुको 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 रुको, अभी कहीं नहीं जा रहा है, अभी रुको, अगे देखो, देखो CH2 CH2 CH CH डबल बॉन्ड। जितने भी कार्बन आइटम है सबका मुझे क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। देखो इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा तो ये हुए और 2 सिग्मा इसके टोटल कितना हो गया? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? SP3। इस कार्बन के पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 इसके पास, टोटल कितने हुए? 4 मतलब SP3।
इस कार्बन के पास एक सिग्मा ये है, दूसरा ये है और एक हाइड्रोजन वाला, तीन सिग्मा टोटल, क्या हो जाएगा बेटा sp2। इसके पास एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तीन टोटल है, कितना हो जाएगा बेटा sp2। इस कार्बन को पकड़ो, दो हाइड्रोजन से सिग्मा हो गया, दो ये हो गए, टोटल चार हो गए, इसका भी क्या हो गया sp3। अच्छे से नोट करो एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल कराऊंगा, सादा तरीके से कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बहुत हर चीज कवर कराऊंगा, जल्दी सुनो टोटल एग्जाम्पल। लिखो अब हेडिंग डालो, क्वेश्चन क्या लिखे, हेडिंग पड़ेगी डाइपोल मूवमेंट, नया कॉन्सेप्ट है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट इसको डिनोट करते हैं म्यू से, डाइपोल मूवमेंट इसे डिनोटेड फ्रॉम म्यू। देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसकी बात करेंगे, सबसे पहली बात समझो, बहुत अच्छे से समझना, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, क्लियर तरीके से भी समझाता हूं आपको। देखो जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है Ab2, डाइपोल मूवमेंट ये बताता है क्या कि जो बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी है कि नहीं। पोलैरिटी का मतलब होता है जो बॉन्ड दो एटम के बीच बना है उन दोनों एटम में ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है बॉन्ड के बीच में जो एटम होता है, जैसे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो एटम ए और बी है, और अगर ए और बी के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है xa-xb इसका मॉड, अगर ये जीरो आता है तो डाइपोल मूवमेंट डिफाइन नहीं होगा और हम कह देंगे कि ये बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर है। क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक पर्टिकुलर बॉन्ड का जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट, और पूरे मॉलिक्यूल को जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, समझ गए। अगर हम पर्टिकुलर एबी को देखेंगे तो हम बोलेंगे इसका बॉन्ड मूवमेंट, क्या बोलेंगे, बॉन्ड मूवमेंट बोलेंगे, और हम पूरे Ab2 को जब निकालेंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको, डाइपोल मूवमेंट। मेरी बात समझो, ये तभी डिफाइन होगा जब जो बॉन्ड है जिन एटम के बीच में बनता है उन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दो एटम है उनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर वो जीरो हो गया तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, और अगर जीरो ना हुआ, कुछ भी हुआ, कोई वैल्यू आ गई तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर हो जाएगा, समझ गए। कहने का मतलब है अगर डाइपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जो निकालेंगे अगर वो जीरो आ गया तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, और अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं आया तो कैसा होगा बेटा, वो पोलर होगा, कैसा होगा, पोलर। अभी मैं सब बताऊंगा आपको कैसे म्यू निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, बहुत शानदार ट्रिक के साथ समझाने वाला हूं, बस आप अच्छे से लिखते चलो, राइट, लिखो द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट, is expressed in terms of dipole moment, is expressed in terms of dipole moment of bond, dipole moment of bond,
डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो ज्यादा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मान लिया बेटा AB2 में दो एटम है A और B। मान लिया जो हमारा B है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और खींचने के मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे भी तो रहा है। अरे भाई AB के बीच में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बॉन्ड खींचेगा, मतलब इधर से शिफ्ट हो रहा है, तो यहां पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल का पॉजिटिव, और यहां कैसा आएगा, पार्शियल का नेगेटिव। मतलब इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो उसमें डायपोल मूवमेंट होगा, बॉन्ड मूवमेंट होगा, और कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर होगा। आगे लिखो उसी में, डिफाइंड एज द उसी कंटिन्यू करो आगे, कंटिन्यू आगे ऑफ बॉन्ड के आगे, डिफाइंड एज द वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लिखो समझा रहा हूं, डिफाइंड दो मैं चाहते हैं इसको निकालने के, डिफाइंड एज द वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल चार्ज ऑन आइदर एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज आइदर एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों A और B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लो D है। तो डाइपोल मोमेंट बराबर होता है इस पर जितना चार्ज हो इनटू उसके बीच की डिस्टेंस, म्यू बराबर क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, ठीक है ना। और इसका जो हमारा क्या कहते हैं यूनिट होती है वो क्या होती है, डीबाई, बता रहा हूं डीबाई होता है, डीबाई बोलते हैं इसको, बता रहा प्रॉपर वैसे नोट करो उसको पूरा। चार्ज की दो यूनिट होती है क्यू की, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, जो क्यू होता है चार्ज होता है उसकी दो यूनिट होती है, एक होती है कूलम और एक होती है ESU। अगर कूलम में है तो चार्ज कितना लेते हैं हम लोग, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम लेते हैं, और ESU में लेते हैं तो लेते हैं इसकी वैल्यू 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है, चार्ज की दो यूनिट होती है कूलम और ESU, ठीक है। ESU का मतलब हो गया CGS, CGS यूनिट होती है इसकी, कौन सी यूनिट होती है बेटा, ये उसकी CGS यूनिट होती है, ठीक है। और SI यूनिट कौन सी होती है चार्ज की, कूलम होती है, नोट करो। इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, हाँ ये SI यूनिट होती है चार्ज की, और ये CGS यूनिट होती है। हम लोग CGS ही रखते हैं, ध्यान रखना CGS ही रखते हैं पेपर उसमें। वन डिवाइस इक्वल टू होता है 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर, लिखो वन डिवाइस का मतलब होता है 10⁻¹⁸ ESU सेंटीमीटर। कहने का मतलब है म्यू बराबर क्यू इंटू डी, चार्ज हम क्या रखेंगे 4.8 × 10⁻¹⁰, डिस्टेंस इसमें रखेंगे सेंटीमीटर में, सब गिवन, डेटा गिवन होगा आपको, क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, क्वेश्चन करा रहा हूं, तो सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा आपको।
डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं, चार्ज हमेशा ESU लेते हैं, क्योंकि हमको यूनिट क्या लानी है, वन डिवाई लानी है, डिवाई को मतलब डी से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। कंसीडर अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल, कंसीडर अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल HCl, कंसीडर अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल HCl